Good morning students, how are you? I hope you are fit and fine. So student, welcome to online classes. Subject Hindi and chapter 13 उल्टे अर्थ वाले शब्द. Okay, उल्टे अर्थ वाले शब्द जिसको आप विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं. Opposite word, English में हम क्या बोलते हैं? Opposite word. Okay, और हिंदी में उल्टे अर्थ वाले शब्द या आप विलोम शब्द भी कह सकते हैं. विलोम शब्द, विलोम शब्द. ओके, और इंग्लिश में हम इसको अपोजिट वर्ड बोलते हैं. ठीक है, तो आपने अभी जो पहले वीडियो में आपने सीखा था सब नामों के लिए सर्वनाम शब्द. सर्वनाम शब्द बच्चों आप जानते हैं कि जब हम किसी के नाम की जगह पे वो शब्दों का यूज़ करते हैं तो उन्हें हम सर्वनाम शब्द कहते हैं. आज की वीडियो में आपको मैं दोबारा सर्वनाम शब्द और उल्टे अर्थ वाले शब्द ये दोनों चीज़ें कराऊंगी. ठीक है, सर्वनाम शब्द आपको समझ में आ गया होगा. तो सर्वनाम शब्द जैसे मैंने आपको बता दिया था कि आपके नाम की जगह है ना, सबके अपने अपने नाम होते हैं, उनकी जगह कई बार हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं कि हमें नाम नहीं लेना पड़ता है ना. तो जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द. जैसे आप, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, आपका, हमारा, ये, वे, यह, वह. तो देखा आपने कितने सारे शब्द मैंने यूज़ किए, तो ये सारे शब्द होते हैं सर्वनाम. ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हम खेलने जा रहे हैं, यह मेरा पेन है, यह बोर्ड है, वह किताब है. तो देखा है कि हमने वहाँ पे क्या बोला, वह बोर्ड है, वह आपका घर है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है ना, यह तुम्हारा पेन है, यह तुम्हारी किताब है. तो जो मैंने आपके नाम की जगह मैंने यूज़ किया तुम्हारी, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तो ये सारे शब्द सर्वनाम हैं. ठीक है, तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, उल्टे अर्थ वाले शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स. इंग्लिश में तो आप जानते हैं अपोजिट वर्ड्स है ना, हैप्पी, सैड है ना, बट इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं. उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और विलोम शब्द भी कहते हैं. बच्चे आप सबको पता होगा विलोम शब्द आप सबने किए हैं, तो आज आपको बताना है विलोम शब्द कि जिसका उल्टा अर्थ बताता है उसको हम कहते हैं विलोम शब्द. ठीक है, तो अब बताइए सही. सही का उल्टा अर्थ बताने के लिए हम क्या बोलेंगे? गलत. क्या बोलेंगे? गलत. अंदर, बाहर. अंदर, बाहर. सुबह, सुबह का उल्टा शब्द क्या होगा? शाम. नया, पुराना. नया और पुराना. हंसना, रोना. हंसना और रोना. छोटा, बड़ा. छोटा, बड़ा. सोना, जागना. ऊपर, नीचे. ठंडा, गरम. सर्दी, गर्मी. सर्दी, गर्मी. पास, दूर. पास, दूर. पास का उल्टा क्या हुआ? दूर. उठना, बैठना. पूरा, आधा. काला, सफेद. इधर, उधर. अमीर, गरीब. दिन, रात. आना, जाना. सुख, दुख. ठीक है, तो आपने क्या देखा? अपोजिट वर्ड्स यानी कि विलोम शब्द वो होते हैं जो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताते हैं. जैसे मैंने बोला सही, गलत. अंदर, बाहर. आना, जाना. नया, पुराना. ऊपर, नीचे. काला, सफेद. उठना, बैठना. पूरा, आधा. ओके, एक बार वापस रीड करते हैं. सही, गलत. अंदर, बाहर.
सुबह शाम, नया पुराना, हंसना रोना, छोटा बड़ा, सोना जागना, ऊपर नीचे, ठंडा गरम, सर्दी गर्मी, पास दूर, उठना बैठना, पूरा आधा, काला सफ़ेद, इधर उधर, अमीर गरीब, दिन रात, आना जाना, सुख दुख। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा? विलोम शब्द सीखे हैं, है ना, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द। अब आप इसमें देखिए, एक्सरसाइज है, चित्र के उल्टे अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाओ। ठीक है, तो आपके मिठाई है, इसमें उल्टे अर्थ है ना, तो जैसे मिठाई कैसी होती है? मीठी, है ना, तो इसको आपको उल्टा बनाना है, मीठा का क्या हो जाएगा? नमकीन। तो आपको टिक करना है नमकीन पे। फिर है आपका पिक्चर है, इसमें काला है ना, कलर है काला, तो काला का हम उल्टा क्या बोलते हैं? सफ़ेद। ठीक, सेब है आपके, आधा है या पूरा? ठीक है, पूरा है, तो इसमें आपको किस पे टिक करना है? आधा। और उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, उठना बैठना, नया पुराना, इधर उधर, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, सोना और जागना। ठीक है, तो आज हमारा अपोजिट वर्ड्स या विलोम शब्द का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। और वापस आपको सर्वनाम शब्द पे ले चलते हैं, वहाँ पे कुछ मैं वाक्य राइट करूँगी और आपको उस पर सर्कल करना होगा, सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ। ठीक है, सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ, तो आपको सर्वनाम शब्द पता चल गए हैं। मैं खाना खाती हूँ, एंड नेक्स्ट है वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है, यह आपकी कार है, तुम मेरे मित्र हो, आपका क्या नाम है? तो देखा आपने, मैंने कुछ यहाँ पे वाक्य लिखे हैं, अब इसमें आपको क्या पहचानना है? सर्वनाम शब्द पहचानने हैं। मैं खाना खाती हूँ, तो नाम की जगह क्या आया? जैसे मैं यहाँ पे नाम की जगह कर देती राधा खाना खाती है, तो राधा की जगह मैंने कौन सा शब्द यूज किया? मैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम शब्द है। वह मंदिर जाता है, वह मंदिर जाता है मीन्स कौन मंदिर जाता है? अब नाम की जगह अगर मैंने कर दिया होता मोहन मंदिर जाता है, तो मोहन की जगह मैंने किस शब्द को यूज किया है? वह। वह मंदिर जाता है, ठीक है, तो वह क्या है हमारा? सर्वनाम शब्द। यह आपकी कार है, किसकी कार है? आपकी। यह भी सर्वनाम है और आपकी भी, आपकी जो आया है इसमें, आपकी, आपका, आपके, वो भी सर्वनाम शब्द ही है। तुम मेरे मित्र हो, तो हमने यहाँ पे क्या किया है? तुम शब्द मैंने किसके लिए यूज किया है? सामने वाले पर्सन के लिए, तुम मेरे मित्र हो, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि राम मेरा मित्र है, तो राम की जगह मैंने किसका यूज कर दिया? तुम मेरे मित्र हो, तो तुम शब्द है वो सर्वनाम है। आपका क्या नाम है, तो यहाँ पे जो हमने आपका यूज किया है वो शब्द है हमारा सर्वनाम। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? सर्वनाम शब्द तो आपको पहले ही पता थे, पहले वीडियो में बता दिया था।
आज मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया है। और आज हमने जो सीखा है वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द वो होते हैं जो कोई भी शब्द होता है उसका उल्टा अर्थ बताते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना। तो विलोम शब्द आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आज आपका यही काम है कि आप राइट करिए नोटबुक में ये विलोम शब्द और इनको याद करिए और लिखिए, ठीक है। और सर्वनाम शब्दों को पहचानना सीखिए कि कौन कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं। ओके, थैंक यू।